सो हे गाइस, वेलकम टू बैक माय अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं एक शानदार जानकारी जो आपने कई यूट्यूबर के चैनल पर ऐसे नहीं देखे होंगे, क्योंकि हालांकि कुछ लोग प्रमोशन के लिए अपनी बाइक के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बता देते हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता। तो मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ नई वीडियो जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और कुछ जानकारी जो आपको देने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा बात करें तो नॉर्मली एंड बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल एंड यूज़फुल होने वाली है। तो गाइस, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। तो गाइस, अगर हम बात करने वाले हैं जो हमारी बाइक है ड्यूक 250, तो इसके बारे में हम आज प्रॉपरली आपके सामने बात करेंगे कि आज जो मेरी बाइक मैंने ली है उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं आ रही, मैं आपको आज क्लियरली बता देता हूँ। क्योंकि अगर भाई आप लेना चाहते हो तो आप उस जो हमारे साथ में फ्रॉड हुआ है या हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, ये आप बिल्कुल भी ना करें। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी जो माइलेज की है। सबसे नंबर वन पे हमारी बात आती है माइलेज की। तो भाई, माइलेज की अगर हम बात करें तो अगर ये प्रॉपर आप ऑन रोड चलाने के लिए लेते हो तब तक तो ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट आपके लिए है, लगभग 30-32 का एवरेज आपको निकाल देगा। अगर आप लोकल में इसे लेना चाहते हो तो मैं बात करूँ तो ये आपके लिए लोकल के हिसाब से नहीं है, और आपकी बाइक जो है बहुत जल्दी साउंड करने लगेगी, क्योंकि भाई ये लोकल के हिसाब से नहीं है। और मैं जो बाइक अपनी यूज़ करता हूँ वो मुझे लोकल में ही यूज़ करनी पड़ती है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो भाई एवरेज के हिसाब से अगर आप इसको मेंटेन कर पाते हो तभी इस बाइक को ली है, वरना इस बाइक को। दो भी हम बात करते हैं इसकी क्लच प्लेट की, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत फील हुई है वो मैं उसको बता देता हूँ। और अभी मेरी बाइक में नॉर्मली आपको दिखा देता हूँ पास से, जो फाइनली मैं आपको यहाँ पे मीटर में अभी चेक करा देता हूँ कि मीटर में अभी हमारी बाइक जो है वो 5100 ही चली हुई है। और 5100 की बात करें तो ये बहुत बहुत मान लीजिए 5000 चली थी। उससे पहले ये जो बाइक थी इसकी क्लच प्लेट जो थी आवाज़ कर चुकी थी, और मैं इसको लेके शोरूम पे भी गया था। मैंने कहा वहाँ सर्विस जो इसकी करवाने के लिए जहाँ पे सर्विस करवाते हैं, तो वहाँ पे भी मैं इसको लेके गया था। मैंने उनसे पूछा था भाई ये दिक्कत आ रही है, तो उन्होंने बताया इसकी क्लच प्लेट जो है वो ख़राब हो चुकी है। तो मैंने बोला भाई ये चीज़ जो है वारंटी में होगी, तो बोले अभी भाई ऐसी कोई वारंटी में नहीं है, क्योंकि बोले एक सर्विस तक ही इसकी वारंटी होती है, इसके अलावा इसकी कोई वारंटी नहीं होती है। क्योंकि क्लच प्लेट का सिस्टम क्या होता है, अलग अलग चलाने का तरीका उन्होंने मुझे ऐसा समझा दिया था। तो भाई मैं बता दूं कि अगर आप लेते हो तो भाई आप बहुत सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि मैंने दो कमियां। और नंबर तीन पे इसकी बात आती है जो हैंडलिंग इसकी जो है और ब्रेकिंग सिस्टम है, वो तो भाई कुछ कहने की बात ही नहीं आती है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मैं बता दूं। सबसे थर्ड पे एक बात और आती है जो चैन की आवाज़ है। चैन मैं आपको यहाँ पर पास से दिखा देता हूँ बिल्कुल। ये चैन जो है, चैन का सिस्टम क्या है भाई, उन्होंने बोला सर्विस सेंटर वालों ने मुझे बोला है शोरूम वालों ने कि भाई इस पर 500 किलोमीटर के बाद में जो इसका लूब आता है वो इस पर डालना है और क्लीन करना है। तो भाई मैं आप मुझे ये बताइए कि हर 500 किलोमीटर के बाद में मैं अगर डालूंगा, उससे पहले ये अगर 100 किलोमीटर की चला लो आप नॉर्मली, कभी वॉश करवा दो बाइक को या धुलाई करा दो, तो ये दिक्कत आती है आपके लिए। तो मैं बता दूँ ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बाइक जो है आपकी चैन जो है बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है लोकल जब भी आप चलाओगे। आपकी नॉर्मली बाइक की जानकारी। तो ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा वीडियो में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो रोक के बाय, थैंक यू सो मच।